वगैरह भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले T20 मुकाबले देखने के लिए उत्साहित है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे और टेस्ट को अपने नाम करने के बाद अब T20 में भी झंडे गाड़ने के लिए भारत के युवा सितारे ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में कदम रख चुके हैं, जहां सिक्का हार्दिक के पक्ष में रहा और उन्होंने एक साथ दो युवा सितारों का डेब्यू कराने का फैसला किया है। तो आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरी है टीम इंडिया? भारतीय टीम ने बनाए हैं कितने रन? कौन सा बल्लेबाज है शतक के करीब? क्या बारिश फेरने वाली है इस मुकाबले में? रोमांच में पानी। इस रोमांचक मुकाबले का आपको देखा हाल हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और ईशान में कौन पहले T20 में सबसे अधिक रन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए वनडे और टेस्ट दोनों टीम में इंडिया ने अपना परचम लहराया है। वेस्ट इंडीज को उन्हीं की सरजमी पर मुंह की खानी पड़ी है, इसमें शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत और वेस्ट इंडीज दोनों T20 क्रिकेट के दिग्गज टीमें। वेस्ट इंडीज को तो इस फॉर्मेट के बेताज बादशाह माना जाता है। ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तब हमेशा देखा जाता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी उम्मीदों से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों, अब लंबे इंतजार के बाद वो पल आ चुका है जब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में एक दूसरे से दो दो हाथ करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 मैचों की काफी लंबी सीरीज है, जिसके पहले T20 का आगाज ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है, जहां भारतीय टीम की कमान कुनफू पांड्या के कंधों पर सौंपी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की कमान रोवमन पवेल ने संभाल रखी है, जो चाहेंगे कि किसी भी हाल में वो अपनी टीम को T20 सीरीज में तो जीत दिलाकर ही दम लें। लेकिन यदि कप्तान हार्दिक का जलवा जारी रहा तो वो बड़ी आसानी से वेस्ट इंडीज को खदेड़ सकते हैं, यही डर उन्हें भी सता रहा है। वहीं यदि आप भी ये मुकाबला लाइव अपने टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो हाल फिलहाल में ये सुविधा बड़ी सुविधा DD स्पोर्ट्स के चैनल पर उपलब्ध है। वहीं इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा के ऐप पर मुफ्त में की जा रही है, जो केवल जियो के कस्टमर के लिए नहीं बल्कि सभी 140 करोड़ भारतीयों के लिए। इससे बड़ी खुशखबरी फैंस के लिए और क्या हो सकती है? इस मुकाबले का लुत्फ आप जियो सिनेमा पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी उठा सकते हैं। वहीं बात करें यदि मैच के बारे में, तो पहले T20 मुकाबला हर किसी की नजरों में इसलिए ये बना हुआ है कि यदि यहाँ पर भारतीय पारी की शुरुआत शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल करते हैं तो दोनों बल्लेबाजी यही चाहेंगे कि बड़े स्कोर तक इस मुकाबले को लेकर जाया जा सके। वहीं हम लोगों ने यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन देख रखा है, तो वहीं ये युवा सितारा इस मैदान पर तूफानी शतक लगाने का भी दमखम रखता है। बात करें भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में, तो अब तक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 25 T20 मुकाबले इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिसमें से 17 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए, तो वहीं 7 मुकाबले वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, जिसके चलते भारत का पलड़ा बहुत अधिक भारी नजर आ रहा है। लेकिन यदि बात करें मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के बारे में, तो मौसम विभाग ने बताया है कि मैच के दौरान हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, जिसके चलते हमें इस रोमांचक मुकाबले में खलल पड़ते हुए दिखाई देने वाला है, जो अच्छे संकेत नहीं लग रहे हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि हमें 20 ओवरों का पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बात करें अब किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें मैदान में फतह करने के लिए उतर सकती है। पहले वेस्ट इंडीज की बात कर लेते हैं, तो ब्रेंडन किंग के साथ कायल मेयर्स पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे, तो वहीं जॉनसन चार्ल्स से लेकर निकोलस पुरन, सिमरन हिटमायर और रोवमन पवेल के रूप में कुछ बड़े धाकड़ बल्लेबाज हैं, जो भारतीय गेंदबाजों को बड़ी आसानी से धज्जे उड़ाने का दम रखते हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जैसन होल्डर और फिर रोमारियो शेफर्ड के रूप में उनके पास दो बेहद खतरनाक विकल्प मौजूद है। तो वहीं अखिल हुसैन की फिरकी से पार पाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। उनके अलावा तेज गेंदबाजी क्रम की कमान अल्जारी जोसेफ के साथ ओवॉय मैकॉय के कंधों पर रह सकती है। अब बात करें भारतीय टीम की, तो ओपनिंग क्रम में जहां हमें ईशान और शुभमन गिल नजर आने वाले, तो नंबर 3 के पायदान पर यशस्वी जायसवाल गेंदबाज पर कहर बनकर टूटते नजर आएंगे। उनके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव के साथ संजू सैमसन या फिर तिलक वर्मा के रूप में भारत के पास दमदार असला बारूद मौजूद है। तो वहीं खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल गेंद और बल्ले दोनों से वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान कुलदीप यादव के कंधों पर सौंपी जा सकती है, तो वहीं पेस अटैक की जिम्मेदारी एक बार फिर हर्षदीप सिंह के कंधों पर रहने वाली है। उनका बखूबी साथ निभाने के लिए मुकेश कुमार के साथ साथ रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही टीमें बेहद मजबूत नजर आ रही है, यानी कि हमें एक जबरदस्त घमासान देखने को मिलने वाला है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन मारेगा इस रोमांचक पहले T20 में बाजी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।